क्या आपका बच्चा भी कभी कभी बहुत ज्यादा चिल्लाने चीखने लगता है, पैर पटकने लगता है या किसी तरीके एबनॉर्मल हरकत करने लगता है? तो आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करूंगी, जो हमारी मेडिकल भाषा में जिसको टेम्पर टेंट्रम्स कहते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनीता कुमार, बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, और आज हम टेम्पर टेंट्रम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। टेम्पर टेंट्रम्स को अगर हिंदी में अगर हम लोग समझेंगे तो आवेश में करी हुई कोई भी एक्टिविटी। आवेश में करी हुई एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, जैसे कि पैरों को पटकना, चीखना, चिल्लाना, अपने को काटना या अपने भाई बहन में से किसी को काट लेना, या अपने माँ बाप को काट लेना, या अपने सहपाठी के साथ में कोई इस तरीके की एक्टिविटी करना, या फिर उल्टी कर देना, या फिर इस तरीके की कोई भी एबनॉर्मल हरकत करना जो कि माँ बाप को लगता है कि ये क्यों कर रहा है इस तरीके से। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अमूमन हम अगर इसकी उम्र की डिस्कशन करें कि किस उम्र में ये पाया जाता है, तो ये 1.5 साल और 4 साल के बीच में ये अमूमन मिलता है, जो कि 3 साल की उम्र में इसकी मैक्सिमम इंसिडेंस पाई जाती है। यानी 1.5 साल के बच्चे से लेके 4 साल के बच्चे में ये टेम्पर टेंट्रम्स मिल सकते हैं। टेम्पर टेंट्रम की ड्यूरेशन करीब करीब 7 से 9 प्रति सप्ताह तक होती है। यानी ये इसके अटैक्स आपको 7 से 9 प्रति सप्ताह ऑन एन एवरेज समझ लीजिए कि एक पर डे। और ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन एक टेंट्रम नॉर्मली 1.5 मिनट से लेके 5 मिनट तक चलता है, किंतु ये देखा गया है कि जैसे जैसे उम्र कम होती है और उम्र बढ़ती है तो ये टेंट्रम की ड्यूरेशन भी बढ़ती है। यानी अगर 1.5 साल के बच्चे को इस तरीके का कोई अटैक आएगा तो वो कम देर तक लास्ट करेगा, यानी 2 मिनट तक लास्ट करेगा, और अगर 4 साल के बच्चे में वही अटैक आएगा तो वो करीब 5 मिनट तक या 4 मिनट तक भी चल सकता है। लेकिन माँ बाप जब इस तरह की एक्टिविटी को देखते हैं तो घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे कि बच्चा इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो चलिए हम जाने के इसके कारण क्या है। कारण में विशेषता ये देखना पड़ेगा कि हमको जब भी कोई चिकित्सक के पास बच्चा ले जाता है तो चिकित्सक ये देखता है कि उसके डेवलपमेंटल हिस्ट्री क्या है। यानी वो किस समय उसने अपना सिर टिकाना शुरू किया, किस समय बैठना शुरू किया, किस समय खड़ा हुआ और किस समय चलना शुरू किया। अगर उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स नॉर्मल हैं तो हमको ये मानना चाहिए कि वह एक नॉर्मल बच्चा है जो कि टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है। किंतु अगर उसके माइलस्टोन्स डिलेड हैं तो हमको किसी न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट से भी मिलना चाहिए जो कि ये देख के बता सकता है कि इसको किस तरीके की बीमारी है जिसके साथ टेम्पर टेंट्रम्स एसोसिएटेड है। तो मैंने जैसे बताया कि आपको ड्यूरेशन पता लग गई है कि 1.5 से 4 मिनट तक चलता है या 5 मिनट तक भी चल सकता है, हफ्ते में एक बार तक हो सकता है। और इसके ट्रीटमेंट में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी दवाई नहीं दी जाती है, इसमें काउंसलिंग का रोल बहुत बड़ा है। यानी काउंसलिंग पहले तो आप ये करेंगे कि दोनों पेरेंट्स को बुलाएंगे, फादर को मदर को, उसके बाद घर में ज्यादा जिसके पास रहता है बच्चा, दादी हैं, बाबा हैं, या फिर मेड सर्वेंट है या और कोई रिश्तेदार जो घर में बच्चा देखता है, उससे भी पूछना पड़ेगा कि जब ये टेंट्रम करता है या इस तरीके की एक्टिविटी करता है तो उससे जस्ट पहले उसके साथ क्या हुआ है। तो ये डिटेल में जाके हमको उसकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री या सोशल हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या आता है, जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमको एक छोटा सा लैब टेस्ट कराना पड़ता है। इसमें छोटा सा लैब टेस्ट वो है कि हमको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को रूल आउट करना है कि बच्चा कहीं एनीमिक तो नहीं हो रहा है। और उसके अलावा हमें एक न्यूरोलॉजिकल टेस्ट भी कराना पड़ेगा। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट मैंने जैसे बताया कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अगर डिलेड हैं तब जरूरी है कि उसका स्पाइन का डेवलपमेंट देखना है। और ये देखना है, माँ बाप से भी पूछना है कि बच्चा जन्म के समय रोया था या नहीं रोया था। तो इससे बहुत सारी कंडीशंस रोल आउट हो जाती हैं, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी है, ऑटिज्म है या और भी कई मानसिक बीमारियां हैं। और इसमें कई बार जेनेटिक रोल भी होता है, जैसे कि हम लोग के कई सिंड्रोम्स होते हैं, प्रैडर विलिक सिंड्रोम भी होता है, लेकिन उसका कोई ना कोई
एक दूसरा कंडीशन भी होता है जो कि उसको लेबल कर सकते हैं कि ये वो सिंड्रोम है, और उसकी जेनेटिक स्टडी करके उसको लेबल किया जा सकता है। लेकिन जो टेम्पर टेंट्रम्स होते हैं इसमें कोई भी फाइंडिंग नहीं हमको नहीं मिलती है। डेवलपमेंटल स्टोन्स नॉर्मल होते हैं, केवल बच्चे की और पेरेंट्स की काउंसलिंग करके और उसको प्यार से डील करके ही हम उसके टेम्पर टेंट्रम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे वो ये भूल भी जाता है कि इस तरीके की कभी एक्टिविटी हुई थी, और वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है। नमस्ते।